हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। देखिए, आप सबको पता है DRDO का ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे फिल करना है। बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, बिकॉज जरा सी एक भी मिस्टेक आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। तो देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले तो जो इसका कुछ इसके क्वेरीज थी, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस DRDO ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। इसके अलावा मैंने उसका एक वीडियो भी अपलोड किया है, तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, वो आप वीडियो पिछला वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। और जो अप्लाई करने का जो इसका लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो मैंने आपका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं समझ में आता आपको तो आप मेरा वेबसाइट ओपन करेंगे prashantchaturvedi.com। ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है DRDO CEPTAM रिक्रूटमेंट 2018 ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक एक्टिवेटेड। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नया पोस्ट ओपन होगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये DRDO की वेबसाइट पर आ जाएगा। अब ये ऊपर सबसे ऊपर आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर CEPTAM 09, यहाँ पर क्लिक करिए। ये नया पेज आपका ओपन होगा, यहाँ पर लिखा है नवीन पंजीकरण न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करिए। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर है डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक करिए। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना है, और नेम, री एंटर कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें फिल करनी। तो पहले मैं इसको फिल कर लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। अब ये देखिए मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दी है। आपको जो आपकी सही डिटेल है वही फिल करिएगा, ईमेल आईडी सही फिल करिएगा, मोबाइल नंबर सही फिल करिएगा, बिकॉज एक मिस्टेक आपका फॉर्म रिजेक्ट करा सकती है, इसलिए ध्यान से भरिएगा। इसके बाद रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे, रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपका लॉगिन पेज खुलेगा। अब यहाँ पर जिस आईडी से आपने रजिस्टर किया है उस ईमेल आईडी पर आपके पासवर्ड आएगा, और हो सकता है पासवर्ड तुरंत ना आए, हो सकता है पासवर्ड आपको 15 मिनट बाद आए, हाफ एन आवर बाद आए, 1 आवर बाद आए, ऐसा भी हो सकता है। सो वेट करिएगा, जब यूज़र आईडी पासवर्ड आपका जनरेट होकर आपकी ईमेल पर आ जाए उसके बाद यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ यूज़र आईडी है, जो आपका ईमेल आईडी था वो फिल करिए, पासवर्ड आया होगा वो डालिए, और उसके बाद सिक्योरिटी कोड डालिए, लॉगिन पर क्लिक करिए। अब ये मैंने फिल कर दिया है, अब लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक किया, ये लॉगिन हो गया है। अब ये यहाँ पर सारी चीज़ दी गई है, आपको क्या क्या फॉर्मेट चाहिए आपको इमेज का, जो आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट, BSc सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, सबका यहाँ पर साइज मेंशन है और सबका फॉर्मेट मेंशन है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे न्यू एप्लीकेशन पर। अब देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है ये सारी चीज़ें, आधार कार्ड, अगर आपके पास ये पूछा गया है यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड डालिए, DL है तो DL डालिए, और भी कोई आईडी है जो कुछ भी है आपके पास वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है पिता का नाम, जो आपका सही है वही सही फिल करिएगा। अल्टरनेट फ़ोन नंबर अगर आपका है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। कैटेगरी में आ जाइए, जनरल कैटेगरी है तो अनरिजर्व पर क्लिक कर दीजिए। सब कैटेगरी में पूछा गया है गवर्नमेंट सर्वेंट, जॉब करते हैं कहीं पर, गवर्नमेंट जॉब है तो क्लिक करिए, PWD है तो क्लिक करिए, एक्स सर्विस मैन है तो क्लिक करिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसके बाद है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर यस तो यस करिए, अदरवाइज नो। इसके बाद यहाँ पर है डोमिसाइल इन जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर नो करिए, अगर यस है तो यस। डिफेंस पर्सनल विद डिसेबिलिटी, नो। अब ये हाइट पूछी गई और वेट पूछा गया, यहाँ पर जो आपकी हाइट है एक्यूरेट वो यहाँ पर फिट, यहाँ पर आप अपना हाइट डाल दीजिए, और जो भी पढ़ लीजिएगा क्या क्राइटेरिया है उसी हिसाब से डालिएगा। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो कुछ भी है आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस पूछा गया है, अब मैं एड्रेस फिर फिल कर देता हूँ, इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। और स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस, करस्पोंडेंट्स एड्रेस अगर सेम है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए इसको फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये सारी डिटेल मैंने फिल कर दी, अब सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट आपका आ गया पोस्ट EQR डिटेल, आवेदित पद का कोड, अप्लाई फॉर पोस्ट कोड। अब कौन सा आपका पोस्ट कोड है, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिविल इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो
तो चलिए कोई भी एक उठा लेते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिकल ले लेते हैं, आपका जो सुटेबल हो वही सेलेक्ट करिएगा। ओके, इसके बाद लिखा है डू यू पजेसेस द इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट 3 इयर्स डिप्लोमा ऑब्लिक बीएससी एज ऑन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। अब जो बीएससी वाले हैं, सपोज आपका बीएससी है एग्रीकल्चर से, तो चलिए एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, एग्रीकल्चर कर लिया, यहाँ पर यस करिए। डू यू पजेसेस बीएससी डिप्लोमा बोथ, डिप्लोमा है कि बीएससी है कि दोनों है, बीएससी है तो बीएससी पर क्लिक करिए, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा पर, दो बोथ है दोनों है तो बोथ पर क्लिक करिए, मैं बीएससी सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आपका 10th 12th और बीएससी के सब्जेक्ट पूछे गए हैं, रोल नंबर पूछा गया है, मार्क्स पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी, तो चलिए इसको भी फिल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने पूरी अपनी डिटेल फिल कर दी है, मोड ऑफ डिग्री आपका रेगुलर है तो रेगुलर, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस, इसके बाद मेन सब्जेक्ट्स जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स लिखिए, जैसे 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश हिंदी, बीएससी में आपने जिस भी फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं तो जो आपके सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर फिल करिए। मैं सिर्फ एज अ सैम्पल आपको दिखा रहा हूँ, जो आपके अकॉर्डिंग जो आपका सही है वही सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करिएगा। इसके बाद रोल नंबर, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, कॉलेज, जो कुछ भी है, ईयर ऑफ पासिंग डाल दीजिए, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेंड और परसेंटेज 2 डेसिमल तक डाल दीजिए। इसके बाद है सब्जेक्ट मेंशन्ड और ऑन इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट, जो आपकी सर्टिफिकेट में सब्जेक्ट दिए गए हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिख दीजिए, जैसे बीएससी की आपकी डिग्री होगी उसमें जो सब्जेक्ट लिखे होंगे फिजिक्स मैथ्स है तो फिजिक्स मैथ्स लिख दीजिए, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर लिख दीजिए, मैं एग्रीकल्चर के लिए सपोज अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने एग्रीकल्चर लिख दिया। इसके बाद बोला है आर यू परसुइंग बीई बीटेक एमएससी एमटेक पीएचडी, तो यहाँ पर यस करिए। सेलेक्ट डिग्री, कौन सी डिग्री आपकी, बीटेक है। लाइकली डेट ऑफ एक्सपायरेशन, एक्सपायर कब होगी आपकी डिग्री ख़त्म होगी, आपका नेक्स्ट ईयर ख़त्म होगा 2019 में, मान लेते हैं जुलाई में ख़त्म होगा आपका, या जून ले लेते हैं, 6 जून 2019 को ख़त्म होगी, तो ये आपको अभी पता नहीं है कि कब ये आपका जो कब डिग्री ख़त्म होगी, इससे कोई मतलब नहीं, आप एक एक्सपेक्टेड डेट आप डाल सकते हैं, आपको अभी पता नहीं होगा कि डिग्री आपकी कब ख़त्म होगी। आप 2019 जुलाई में ही लगभग सारे सेमेस्टर्स फिनिश हो जाते हैं, मई जून में हो जाते हैं, फिर रिजल्ट आ जाता है आपका जुलाई तक, तो बेटर है आप जुलाई तक ही डाल दीजिए तो वो बेटर है, 1 जुलाई 2019 डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर है क्या आपने बी बी टेक एम एस सी पूर्ण कर लिया, हैव यू कम्प्लीटेड, इसको अगर आप यस करेंगे तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो यहाँ पर आपको करना है नो। और जो लोग कर चुके हैं, जो बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं वो एलिजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर वही लोग फिल कर सकते हैं जो फाइनल ईयर में हैं, डिप्लोमा करके बीई बीटेक कर रहे हैं वो लोग एलिजिबल हैं, जिनका बीटेक हो चुका है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर नो करिए। इसके बाद है एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस, कहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मैं सेलेक्ट करता हूँ एक भोपाल ले लेता हूँ, दूसरा चंडीगढ़ ले लेता हूँ, तीसरा आपका मैं कानपुर ले लेता हूँ। इसके बाद सिक्योरिटी कोड डाल दीजिए TQWIXR, सही इन्फॉर्मेशन डालिएगा, मिस्टेक मत करिएगा, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करिए। इसके बाद आया पोस्टिंग प्रेफरेंस, अब आप कहाँ पोस्टिंग चाहते हैं, आपकी जॉब लग जाती है तो आप कहाँ चाहते हैं, हल्द्वानी में या फिर लेह लद्दाख, मैं हल्द्वानी सेलेक्ट करता हूँ। दूसरा है आपका लेह, मतलब कि ये दो जगह पर आपको पोस्टिंग मिलेगी, हल्द्वानी या फिर लेह लद्दाख, यहाँ पर आ जाइए। आई अंडरस्टैंड दैट रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल नॉट बी एंटरटेन्ड, जो भी आप प्रेफरेंस फिल करेंगे ये दोबारा चेंज नहीं होगा, तो ध्यान से फिल करिएगा। आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करिए, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अब आ रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, 10th क्लास और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, चलिए अपलोड कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं, 10th मार्कशीट देखिए, ये एज अ सैम्पल फ़ोटो मैंने अपलोड करी, जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट है वही आप अपलोड करिएगा। साइज़ दिया गया है 50 KB से 100 KB, सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप साइज़ कंप्रेस कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से हो जाता है। इसके बाद EQR यानी कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, बीएससी की डिग्री है तो सर्टिफिकेट वो लगाइए, प्रोविजनल भी चलेगी, फाइनल नहीं आई है, डिग्री नहीं आई है, मार्कशीट है तो वो भी लगा सकते हैं, प्रोविजनल भी लगा सकते हैं, डिग्री वो लगा देते हैं। अपलोड कर दिया, फोटोग्राफ अपलोड कर दिया मैंने, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड कर दिया मैंने, सिग्नेचर अपलोड कर दिया। अब आ जाते हैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब ये देखिए इसका हमारा जो फॉर्म मैंने फिल किया इसका रिव्यू आ गया यहाँ पर, ये पूरा आप देख लीजिए, जो कुछ भी फिल किया है पूरी डिटेल आ गई है। अब यहाँ लिखा है आई हेयर बाई गिवन माई
कंसेंट टू डिस्क्लोज माई पर्टिकुलर स्कोर एंड रैंक ऑफ एग्जामिनेशन पब्लिकली ऑन द वेबसाइट। आप चाहते हैं कि आपका स्कोर और रैंक पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाए तो आप यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ आई एग्री पर क्लिक करिए। इसके बाद ये सिक्योरिटी कोड है ये फिल करिए, VXDHQ एंड N। फाइनलाइज एंड कंटिन्यू, फिर से बोल रहा हूँ एक बार, फाइनलाइज और कंटिन्यू करने से पहले पूरी चीज़ रिव्यू में जो आएगा एक एक चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, मोबाइल नंबर गलत तो नहीं है, ईमेल आईडी गलत तो नहीं है, सब चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही फाइनलाइज एंड कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक कर देते हैं। अब ये आ रहा है प्रोसीड टू पेमेंट एंड फाइनल सबमिशन, अब यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब ये आपका सीधे सीधे पेमेंट गेटवे आ गया। अब जो कुछ भी आपके पास डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालिए, पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका फॉर्म फिल हो चुका है। जब फिल हो जाएगा इसके बाद आप अपने फॉर्म का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका प्रिंट ले सकते हैं आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है शायद आपको समझ में आ गया होगा कैसे फॉर्म फिल करना है। एक बार फिर सजेस्ट करूँगा, FAQs फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस ज़रूर देख लीजिएगा और नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।